आज इस वीडियो में हम लंबाई की तुलना करना सीखेंगे। आइए देखें कि गैफी और क्रॉक आज क्या कर रहे हैं। क्या कर रही हो क्रॉक? गैफी, मैं सोच रही हूँ कि अगर इस पेंसिल बॉक्स का माप करना हो तो किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम उंगली या रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, चलो पहले उंगली से माप लेते हैं। उंगली से इसका माप है 1, 2, 3। ये पेंसिल बॉक्स 3 उंगली के बराबर है। चलो अब इस पेंसिल बॉक्स को रबर से नापते हैं। हाँ, लेकिन रबर तो उंगली से बहुत छोटा है। चलो नाप कर पता लगाते हैं। बच्चों, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि रबर से इस पेंसिल बॉक्स का माप कितना है? चलो करके देखें। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रबर से इसका माप 6 रबर के बराबर है। बच्चों, आपको क्या लगता है उंगली और रबर के माप में अंतर क्यों है? बच्चों, अब आप भी एक वस्तु ले, जैसे एक किताब, और उस वस्तु का एक बराबर उंगली से और फिर रबर से माप ले, और ऐसे टेबल बनाकर अपनी नोटबुक में लिखकर लिए गए माप की तुलना करें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बताएं कि माप में फर्क क्यों है। बच्चों, इस वीडियो में हमने अमानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई में अंतर की तुलना करना सीखा।